पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ सिंगरौली जिले में कांग्रेस ने नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन किया। साथ में बिजली की समस्या का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने पूरे शहर में रैली निकाली और राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली जिले के शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने देश व प्रदेश में पेट्रोल डीजल एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों और बिजली की समस्या को लेकर बैडन शहर में रैली निकाली। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के राज्यपाल के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश के पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा, कांग्रेस सेवा दल के रूपेश चंद्र पांडे, प्रवीण सिंह चौहान सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार के द्वारा भारी भरकम टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसमें गरीब और मध्य वर्गीय परिवार बेहद परेशान है। कोरोना से जिले का गरीब तबका वैसे ही परेशान था, लेकिन सरकार के द्वारा महंगाई के चलते अब लोगों को दो जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि जिले में बेरोजगारी का आलम यह है कि क्षेत्र का युवा बेहद परेशान है। साथ ही डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से खेती किसानी में लगने वाला सामान भी महंगा हो गया है। अब तो मोदी सरकार का नारा देने वाले लोग भी इस महंगाई से परेशान है। कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। अगर आने वाले वक्त में सरकार ने महंगाई कम नहीं की तो एक बार फिर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। के मुद्दे पे कलेक्टर साहब के बस का कुछ नहीं है। ये राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया, द्वारा कलेक्टर को दिया है, ये वहाँ पे भेजेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस गूंगी और बहरी जो सरकार है, मामा और नाना की, ये दोनों सरकारें ये कान खुलेगा और महंगाई डीजल पेट्रोल में कमी होगी, कम से कम 30-35 रुपए किसी पुराने दरों के। ये संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।